focuses on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Well, I am with a personality who doesn't need any introduction, Mr. Deepak Chaurasia sir, who is coming with a new book that is called Kuda Dhan. Sir, आप से जानना चाहेंगे आप बुक लेके आ रहे हैं कूड़ा धान उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए ये पुस्तक जो है ये देश की सबसे बड़ी समस्या कूड़ा पर आधारित है। आखिरकार हम कूड़े के इतने बड़े डंप क्यों बनाते जा रहे हैं? गाजीपुर का डंप देखा होगा आपने, पराली जलाई जा रही है, उससे दिल्ली और आसपास के इलाकों में घना स्मॉग हो जाता है और इवन करना पड़ता है या कुछ ड्रास्टिक मेजर्स लेने की ज़रूरत होगी। तो ऐसी कई सारी इंडियन टेक्निक्स और वेस्टर्न टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिससे हम इस कूड़े को धन में बदल सकते हैं। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपके कैमरा में नीचे पत्तियाँ शूट करेंगे ना, ये जो पत्तियाँ शूट कर रहे हैं इसकी छोटी सी मशीन आती है खाद बनाने की, इन पत्तियों को आप उठाएंगे और ऑर्गेनिक खाद बनाने की उस मशीन में डाल देंगे। ज़रूरत कितनी है इन पत्तियों को उठाने की, इन डंठलों को उठाने की और उसके साथ कुछ गीला कूड़ा मिक्स करने की या नहीं मिक्स करने की, और ये खाद में अंदर पूरी तरह से बदल जाएगा। यानी ये कूड़ा है लेकिन इसका ऑर्गेनिक खाद में इस्तेमाल होगा और उससे जो आप जो रसायन का उपयोग करते हैं भूमि के अंदर या जमीन के अंदर या खेती में, उस रसायन का उपयोग बिल्कुल कम हो जाएगा। तो इसी तरह के कई सारे इनिशिएटिव, कई तरह के आइडिया आए हैं। हम एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हूं और कई सारी राजनीतिक, कूटनीतिक और फिल्मों को कवर करता हूं, लेकिन मुझे ये लगा कि ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरे दिल को छू रहा था और मैंने दिल्ली के स्मॉग के टाइम पे काफ़ी फेस किया। मैंने क्या, पूरी दिल्ली ने फेस किया, दिल्ली NCR के लोगों ने फेस किया और काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि इसके समाधान की ओर चलना चाहिए और इसी के समाधान की बात हम कर रहे हैं और इसी के समाधान की बात इस पुस्तक में करने की कोशिश की गई है। बाद में ये कोशिश विभिन्न भाषाओं में होगी। अंग्रेजी में इस किताब का नाम वेस्ट टू वेल्थ होगा, यानी WAST, वेस्ट यानी कूड़ा, टू वेल्थ यानी धन, कि हम कूड़े को धन में कैसे कन्वर्ट करें। सर बात करें कि एक आइडिया जो भी आपके बुक का है उसके लिए एक थॉट आना बहुत जरूरी है, ये आपको थॉट क्या लास्ट ईयर आया था जब दिल्ली का स्मॉग हो रहा था या पोल्यूशन हो रही थी? ये थॉट मेरे पास कई वक्त से था, जब पहली बार दिल्ली के पोल्यूशन में आया और मैं जब ये देखता था, जब मेरी एक बेटी छोटी है 7 साल की, वो पैदा हुई, तब मैंने महसूस किया कि उसको कभी कभी सांस लेने में दिक्कत आती है। या हम लोग जैसे हम इंडिया में घूम रहे हैं, दिल्ली में घूम रहे हैं और किसी खुले इलाके में चले गए तो सांस में बिल्कुल परिवर्तन हो जाता था। अगर हम यूरोप या अमेरिका चले गए तो सांस की जो बात होती थी उसमें काफ़ी परिवर्तन आ जाता था और जो एयर क्वालिटी है वो बहुत बढ़ जाती थी। लेकिन दिल्ली में हम क्या जहरीला धुआं ले रहे हैं, ऑक्सीजन के नाम पर जहरीला धुआं ले रहे हैं? तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों ने मुझे इसकी ओर लिखने को प्रेरित किया। और दूसरी, इसको लिखने के से पहले मैंने एक इंटरव्यू किया था मिस्टर नितिन गडकरी का, वो उन्होंने इस पर काफ़ी काम किया है। उस इंटरव्यू के आधार पर मैंने धनतेरस को एक इंटरव्यू चलाया था जिसका नाम था हाउ टू कन्वर्ट वेस्ट इंटू वेल्थ, यानी धनतेरस में कूड़े को धन कैसे बनाएं, और उसी के थॉट को मैंने आगे बढ़ाता हुए ये बुक लिखी। और गजब के रिसर्च आए, जैसे प्लास्टिक से पेट्रोल बन सकता है, एयर टर्बाइन फ्यूल बन सकता है, प्लास्टिक से कई और चीज़ें बन सकती हैं, प्लास्टिक का जो कचरा होता है उसको 10% सड़क में मिलाना नेसेसरी हो गया है, पराली से जो है बायोफ्यूल और इथेनॉल बनता है और वो ब्रिक्स के पीसेस बनते हैं जिससे जलाकर आप बिजली बना सकें। तो अगर इतना इस्तेमाल है तो हम उसको जलाते क्यों हैं, हम उसको बर्बाद क्यों करते हैं और पर्यावरण को क्यों बिगाड़ते हैं, यही मेरा सबसे बड़ा सवाल है। सर एक बुक लिखने से पहले एक रिसर्च और फैक्ट्स का होना बहुत जरूरी है, तो क्या आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े पूरे डाटा कलेक्ट करने में? देखिए चैलेंजेस तो नहीं, क्योंकि बहुत सारे डाटा तो अवेलेबल हैं, लेकिन उन डाटा को कंपाइल करना और उसको एक रोचक तरह से लिखना। जैसे अपने ई वेस्ट की बात करी, मैं अपने एक मोबाइल फ़ोन को बेचने गया, छोटा मोबाइल फ़ोन था और मुझे लगा कि ये तो ई वेस्ट में कन्वर्ट होगा। तो मुझे मालूम पड़ा कि जब ई वेस्ट को कैसे भारत में ये विषैला जहर फैलता जा रहा है और इंडिया को लोगों ने डंपिंग ग्राउंड बना दिया है, तो मैंने ये कोशिश की कि ई वेस्ट को कैसे इस्तेमाल करना है, ई वेस्ट का किस तरह से निस्तारण करना चाहिए, ई वेस्ट के लिए किस तरह की ट्रेनिंग हम लोगों को दे सकते हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि वेस्ट मैनेजमेंट पर या कूड़ा मैनेजमेंट पर एक बाकायदा स्किल डेवलपमेंट का कोर्स चलाया जाना चाहिए ताकि हम ये सीख सकें। हम पॉलिटेक्निक में पढ़ाते हैं, बच्चों को थोड़ा पढ़ाते हैं कि भाई कागज़ से आप आर्टिफैक्ट्स बना ले, लेकिन मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कचरे से एक सुंदर डिज़ाइनर आइटम्स बना रहे हैं, जो कबाड़ से डिज़ाइनर सामान बनाकर विदेशों में बेच रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये सब चीज़ें हिंदुस्तान वाले कर रहे हैं और हिंदुस्तान वालों को पता भी नहीं है।
सर आपने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बुक चूज करी है, तो बट मेन जब आखिरी बात करें आपके, मतलब आखिर में आपका मोटिव यही होगा कि आगे सोसाइटी में सुधार आए, इसको लेके जागरूकता फैले। देखिए अगर मैं 10% लोगों को भी जागरूक कर पाया तो ये मेरी बहुत बड़ी महानता होगी। अभी तो मैं सभी मुख्यमंत्रियों से मिल रहा हूँ और उनसे ये विनती कर रहा हूँ कि आप मेरी बुक को पढ़िए और पढ़ने के बाद प्लीज इसमें से एक या दो चीजें अपनी स्टेट में इम्प्लीमेंट करिए। इस बुक को लिखने का मेरा मकसद कोई पैसा कमाना नहीं है, बल्कि लेखक की कमाई क्या होती है, लेखक की कमाई कुछ नहीं होती है हमारे जैसे लेखकों की जो रेगुलर लेखन नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मेरी इस बुक से जो भी पैसा आएगा मैं अपने गांव जहां पर मैं रहा हूं उसको नगर पालिका को दान कर दूंगा। इससे आप कोई भी इनिशिएटिव करिए या कोई भी ऐसा काम करिए जो वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट कर सके। Well, at the end, sir, I will say ऑल द बेस्ट फॉर द इनिशिएटिव एंड थैंक यू फॉर टॉकिंग टेन न्यूज। थैंक यू।